बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम सीखेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो आपके केमिस्ट्री लैब में रहता है फॉर वेइंग के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन है, तो हम देखेंगे व्हाट वी कैन डू फ्रॉम दिस ऑप्शंस व्हाइल वी यूजिंग द वेइंग मशीन इन योर केमिस्ट्री लैब। तो वन बाय देखेंगे इन ऑप्शंस का मतलब क्या है आपके पास। तो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले सभी को पता रहता है कि अगर हमने इससे इसको यूज़ करना है तो हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये ऑन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले ये ऑन ऑफ का रह गया, अगर ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर दो। तो ऑन कर दिया आपने, तो उसके बाद एक उसके नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास लाइट। अगर आप सपोज करो आप डार्क में काम कर रहे हो, अंधेरे में काम कर रहे हो और आपको लाइट की ज़रूरत है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसका मीटर, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, लाइट को प्रेस करके तो लाइट भी ऑन कर सकते हो। तो ये आपके पास दो ऑप्शन हो चुके हैं, एक है ऑन ऑफ वाला, दूसरा है आपके पास लाइट वाला। और नेक्स्ट है आपके पास ये जो बीच वाला ये है मोड। अगर आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ को मेज़र करना है आपने ग्राम में, तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं भी यहाँ पर देख सकते हो, मैं लाइट को ऑफ करता हूँ आपको और ज़्यादा विजिबल होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राम दे रखा है। सपोज करो आपने किलोग्राम में लेना है, तो आप मोड से क्या कर सकते हो चेंज, ये OZ में आया है, ये आपके पास LB में आया है, और ये आपके पास लास्ट में आया है किलोग्राम, और ये OZ LB किलोग्राम दिस इज आल्सो द यूनिट्स फॉर मास। तो आप इसको देख सकते हो आपके पास 1 OZ का ग्राम में क्या रिलेशन है, आपका 1 LB का ग्राम में क्या रिलेशन है, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 OZ इन टर्म्स ऑफ ग्राम, 1 LB इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो 1 किलोग्राम का तो आपको पता ही है, आपको ग्राम का भी पता है, किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम रहते हैं, तो वो सब पता है। लेकिन 1 OZ 1 LB का आपके पास क्या रहता है रिलेशन ग्राम के साथ, वो आपने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो ये आप मोड ले सकते हो, अगर आप ग्राम में लेना चाहते हो ग्राम में ले लो, अगर आप OZ LB और लास्ट वन है आपके पास किलोग्राम, तो आपके पास ये 4 मोड हैं। हाँ, आप मोड को बढ़ा घटा भी सकते हो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर आपने किसी डिफरेंट, जैसे सपोज कर लो पाउंड में आप केक की, जैसे केक वगैरह में पाउंड की जरूरत रहता है, इतने पाउंड का केक है, तो वहाँ आप पाउंड यूनिट भी ले सकते हो, वो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना वेइंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस रख सकते हो लैब में, तो लैब में। और दूसरा, अगर आपको मैं इसका बॉक्स दिखाऊं इस वेइंग मशीन का, तो आप देख सकते हो जरूरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ लैब में ही यूज़ करते हैं, आप और भी बहुत सारी जगह पर इस ऑपरेटर्स को यूज़ करते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हो हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे किचन में, इंडस्ट्रीज़ में, लैबोरेटरीज़ में और ऑफिसेज में हम इस इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हमारे पास और ऑप्शन का क्या क्या मतलब है, हमारे पास वन बाय वन देखेंगे इन्हें। तो 3 हमने देख लिए हैं, ऑन ऑफ वाला, सेकंड वन हमने लाइट को देखा, और थर्ड वन हमने देखा आपके मोड को। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन को। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज अगर आपने किसी चीज़ को मेज़र करना है, तो ये चीज़ आपने डेली लाइफ में भी देखी होगी, जब आप सपोज करो किसी ग्रोसरी शॉप में ऑयल वगैरह लेने जाते हैं, और घर से ही कोई भी आप सपोज करो लेने के लिए कोई बोतल वगैरह लेके चले जाते हो, तो आपने उनको डिमांड की मुझे 2 लीटर तेल दे दो, तो वो क्या करता है, जो भी आप घर से बोतल वगैरह लेके गए थे, कैन वगैरह लेके गए थे, वो उसका वेट माइनस करता है। तो सिमिलरली अगर आप जब वेइंग मशीन में किसी लैब में किसी सॉल्ट वगैरह को मेज़र करोगे, तो क्या होगा, आपके जो ग्राफ जो आपके पास, मैं इसका मोड चेंज कर सकता हूँ ग्राम में, तो आप देख सकते हो इसका क्या आपके पास आया, 0.8 ग्राम इसका, इस जो मेरे पास फिल्टर पेपर है उसका वेट है। तो मुझे तो क्या चाहिए, फिल्टर पेपर का वेट तो चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इस फिल्टर पेपर के वेट को मैं माइनस करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है टीयर। तो अगर मैं इस टीयर को जैसे ही मैंने दबाया, तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर इसका वेट हो चुका है 0.0 ग्राम, इसने उस वेट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आप देख भी सकते हो, अगर मैं इस फिल्टर पेपर को उठाऊँगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा, -0.0
9, और अगर मैं इसको रख दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो फिर से 0 से पहुंच जाएगा, तो उस वेट को ये माइनस कर देता है। अब आप क्या करोगे, सपोज करो आपको जो भी चाहिए साल्ट वगैरह, उस साल्ट के आप क्या कर दोगे, ग्रैन्यूल जितने आपको ग्रैन्यूल है अगर क्रिस्टल फॉर्म में जितने चाहिए, सपोज करो 1 ग्राम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो उसको, आप स्पैचुला की मदद से अगर आपके पास पीसीज हैं तो आप ऐसे 1 by 1 उसको आप चेक कर सकते हो, तो आपके पास कितना आ चुका है जो 0.9 ग्राम, तो एक थोड़ा सा हम और डालेंगे तो जी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ग्राम के नियर पहुंच जाएगा, तो जी आपका 1 ग्राम हो चुका है, तो 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे आप मेज़र कर सकते हो कि छोटे वाला पीसीज लेकर जो देखो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप जैसे आपने 1 ग्राम लेना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फिल्टर पेपर का यूज़ करोगे, तो उस फिल्टर पेपर के वेट को आपने क्या करना है, टीयर करना है, कि आपने उस वेट को कंसीडर नहीं करना है, तो डैट्स वाई आपके पास ऑप्शन रहती है टीयर वाली। 1 ऑन ऑफ का पता देख लिया, लाइट के बारे में देख लिया, मोड के बारे में देख लिया, टेयर के बारे में देख लिया। अब आपके पास जो लास्ट वाला है पीसीएस, तो क्या होता है, इस ऑप्शन के बारे में बहुत ही रेयर होता है कि केमिस्ट्री लैब में आपको इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि बहुत रेयर यूज़ होता है इसका केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में हम सिर्फ ग्राम वगैरह को वेट करते हैं, कभी भी हम पीसीस को काउंट नहीं करते। तो जब भी हम किसी चीज़ का पीस काउंट करने हो, तो सर इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा, जब आप क्या करते हो किसी शॉप वगैरह में, किसी इंडस्ट्री वगैरह में, आपने क्या करना है, किसी नट वोल्ट को काउंट करके देना है। सपोज करो किसी ने बोल दिया कि आप मुझे 700 स्क्रू चाहिए, तो अब 725 चाहिए, 30 चाहिए, अब गिनने बैठ जाओगे तो टाइम लगेगा। तो उसी और हमें क्या चाहिए होता है कि कम से कम टाइम में हम किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिए, तो उसी रिक्वायरमेंट को कम से कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, और इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पीस को काउंट कर सके, तो उसी के लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर पीसीएस। तो बहुत रेयर होता है, आप देखोगे लैब में आपको इस पीसीएस के बारे में बताया जाता है, तो देखेंगे इसका भी मतलब क्या है, इसको यूज़ मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे हमने किसी पीसीज की काउंटिंग करनी है, सेम और याद रखना वो पीसीज भी ऐसे होने चाहिए जिनका वेट एक जैसा हो। अब आपको पता ही है कि हमारे पास जितने भी स्क्रू रहेंगे फैक्ट्री में उनका वेट अप्रोक्सीमेट एक जैसा ही रहता है, तो हम उसी ही उन पीसीज को ही काउंट कर पाएंगे जिनका वेट अप्रोक्सीमेट आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखते हैं कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले वही आपने क्या कर लेना है, इस ऑन ऑफ के बटन को दबा देना है। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि जब भी आपने ये लाइट का बटन ऑन कर दिया, ऑन ऑफ कर दिया लाइट, चाहे आप ऑन करो या ना करो, उसके बाद आपने क्या करना है, इस पीसीएस बटन को क्या करना है, प्रेस करना। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको इस नंबर आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। तो जब भी आपने पीसीएस का यूज़ करना है, इसको बहुत होल्ड करके रखना है, तो होल्ड करके रखा तो आप देखोगे यहाँ पर 50 आ गया। अब देखो है क्या, हम क्या करेंगे, एक जैसे सपोज करो आपने 50 स्क्रू का मास आपने फिक्स करना है इस मशीन को, जिस भी चीज़ का आपने पीसीस काउंट करने हैं उसके 50 पीस का आपने इसको मास बताना है। जब उसके 50 पीस का मास ये कैलकुलेट कर लेगा, देख लेगा कि हाँ 50 पीस का मास इतना है, उसके बाद ये अपने आप ही, जैसे आप उसमें 10 और डालोगे तो ये अपने आप ही बता देगा कि इसमें 60 पीस डल चुके हैं, आप 50 और डाल दोगे ये अपने आप ही बता देगा कि 110 पीस हो चुके हैं, अगर आप उसमें फिर से 100 डाल दोगे ये अपने आप ही बता देगा कि इसमें 210 पीस आपके पास हो चुके हैं। लेकिन इसको आपने सबसे पहले क्या करना है कि गिवन पीस का आपने उसका मास बताना है, कि जब अगर आपने सपोज कर लो 50 स्क्रू लिए हैं उसके 50 स्क्रू का मास कितना है वो इसको बताना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन वेइंग मशीन का डिफरेंट डिफरेंट नंबर होता है, कईयों का 25 से स्टार्ट होता है, जो हमारे पास केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल है वो 50 से स्टार्ट करता है। तो इसको मैं समझाने के लिए अब मैं ले रहा हूँ आपके पास मैच स्टिक, तो मैं आपको क्या करूँगा इस 50 मैच स्टिक का पहले वेट इस वेइंग मशीन को बताऊँगा, उसके बाद जितनी मैं मैच स्टिक डालता जाऊँगा उतना वेट उतने पीसीज ये काउंट करता जाएगा, कि आपने 50 के बाद जितने डाले 51 हो गए, 53 हो गए, 54, तो 1 by 1 आपको डालता जाऊँगा जी अपने आप काउंट, 1 by 1 डालो, चाहे आप 10 डालो 20 डालो जी अपने आप ही काउंट करती जाएगी। तो देखते हैं जी करेगा क्या। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसको, इसके ऊपर 50 मैस्टिक रखूँगा जिसका जो वेट मेज़र कर लेगा, उसके बाद जी अपने आप ही जितने हम डालते जाएंगे उतने ही जे क्या करता जाएगा, काउंट करता जाएगा हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। तो देखते हैं जी काम कैसे करेगा।
आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैंने 50 मैचस्टिक ले ली हैं 10 10 के पेयर्स में, तो ये 10 20 30 40 और 50। तो जब आप क्या करते हो, 50 सपोज करो जिसके भी आपने पीस काउंट करने हैं उसका 50 नंबर्स ले लो, तो आपने क्या करना है, इस वेइंग मशीन में जब आपने 50 नंबर्स ले लिया, तो जब आपने जो पीसीस का होल्ड करके रखा था 50 नंबर आ गया, जो भी उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी 25 होगा तो आपको 25 पीसीस रखने होंगे, मेरे वाले में 50 है तो मैंने 50 रख दिए। तो जैसे इसके 50 का वेट इसने मेज़र कर दिया, आपने एक बार क्या कर देना है, इसको प्रेस कर देना है। तो जैसे ये पास हो गया, अब आप क्या होगा, जब भी आप क्या करोगे, जितने भी आप पीसीज और डालते जाओगे, सपोज करो मैं आपको देख कर, ये 50 है ना, ये देखो मैंने एक अपडेट मैं इधर रख रहा हूँ, आप देख सकते हो जैसे मैंने एक रखा ये 51 हो गया, जैसे मैंने दो रखे तो ये क्या हो गया 52 हो गया, मीन्स नेक्स्ट रखा, जब मैंने तीन रखा तो ये क्या हो गया 53, जब मैंने दो, जे मैं दो एक साथ रख रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसका क्या हो गया 55 हो गया। तो ऐसे आप जितने आप रखते जाओगे, सपोज करो 100 50 200 300, ये अपने आप ही काउंट कर लेगा क्योंकि इसने एक मैचस्टिक का वेट मेज़र कर लिया है। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप उन्हीं पीसीस को इसमें काउंट कर सकते हो जिनका आपके पास वेट क्या रहता है अप्रोक्सीमेटली सेम। जैसे आप देखोगे स्क्रू ड्राइवर हो गया, वो सारी चीज़ें जैसे स्क्रू हो गए, उसके नट बोल्ट हो गए, तो ज़्यादा आप देखोगे जो आपके पास प्लम्बर्स वगैरह की शॉप में जी आपको ज़्यादा दिखाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ उन्होंने नट बोल्ट काउंट करने होते हैं, वहाँ इसका यूज़ पीसीएस का ज़्यादा रहता है। तो लैब में इतना नहीं रहता, हमें कभी भी पीस नहीं काउंट करने होते, तो जो आपके पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें इसका यूज़ बहुत बढ़ता है। तो आपको मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये पीसीएस क्यों दे रखा होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में। तो आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, आपको पता है इसका यूज़ क्या है, चाहे आप इसका लैब में करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब आपको पता है कि ये पीसीएस का मतलब क्या है, हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो सभी ऑप्शन का मैंने आपको वन बाय वन एक बार बताया है, वीडियो को एक बार दो बार तीन बार जितने जब तक आपको समझ नहीं आता वीडियो को देखो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे।